आप भी अपने रैम को बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अभी आपके फोन में होगा 12 GB या फिर 8 GB होगा, जो भी लिए होंगे वो यहाँ पे शो कर रहा होगा 8 GB होगा, तो 8 GB होगा। 8 GB को कैसे आप 16 GB में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 8 GB प्लस 8 GB आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि 8 GB को 16 GB में कैसे कन्वर्ट करना, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला कि कैसे आप अपना ओप्पो रेनो 11 या फिर ओप्पो रेनो 11 प्रो में अपने रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं हूँ अजित कुमार, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल एक के सपोर्ट। तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपको चलते हैं अपने फोन डिस्प्ले पर। हाय फ्रेंड्स, अगर आप ओप्पो रेनो या फिर ओप्पो रेनो 11 प्रो में आप अपने रैम को इंक्रीज करना चाहते हैं, रैम को बढ़ा जाना चाहते हैं, तो कैसे आपको बढ़ाना है, सिंपली जो भी मैं बताऊंगा आपको डिस्प्ले पे स्टेप बाय स्टेप आपको अपने एंड्रॉइड फोन में भी फॉलो करनी, पहले वीडियोज देख लीजिए उसके बाद आप देख के कर लीजिएगा। तो क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको शो होने लगा, तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाने की, नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा देख पा रहे हो, तो अवार्ड डिवाइस करके अवार्ड डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा देख पा रहे हो, तो रैम दिख रहा होगा देख लीजिए, ऊपर में रैम दिख रहा होगा, तो रैम पे क्या करना है क्लिक कर देनी होगी। रैम पे क्लिक करने के बाद देखिए रैम एक्सपेंशन, यानी कि आप अपने रैम को बढ़ाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, इससे आपको देख रहे हो यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा होगा, तो इस वाले बटन को आपको क्या करना है इनेबल कर देंगे। तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 GB रहेगा, 6 GB, 8 GB, तो आप जिस भी बढ़ाना चाहते हैं वो आप अपने माध्यम से बढ़ा सकते हैं। मैं 4G को बढ़ाना चाहता हूँ, 4 GB बढ़ाना चाहता हूँ, या फिर 6 GB बढ़ाना चाहते हैं, या फिर 8 GB, तो यहाँ पे जो भी आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से आप बढ़ा लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने ओप्पो रेनो 11 या फिर ओप्पो रेनो 11 प्रो में आप रैम को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक लेके अपने यूट्यूब चैनल लेके जी सपोर्ट पर।